Hello student, my name is Devendra Singh. Today I teach you chemical kinetics. On page number 10 in chemical kinetics, energy of activation. The minimum amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. In other words, activation energy is the difference between the threshold energy and the average energy of the reactant molecule. Activation energy is equal to threshold energy minus average energy of the reactant. यानी कि minimum amount of energy absorbed जो reactant molecules absorb करते हैं so that their energy becomes equal to threshold value के equal हो जाए उसे activation energy कहते हैं. In other words, activation energy is the difference between the threshold energy and average energy of the reactant molecules. Activation energy is equal to threshold energy minus average energy of the reactants. Arrhenius equations, according to the Arrhenius equations, K is equal to A into small e minus EA upon RT, where K is the rate constant, A is the frequency factor, EA is energy of activation. Equation number first, log 10 is equal to K is equal to log 10 A minus EA upon 2.303 RT, equation number first. Number second, log 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R. Bracket T2 minus T1 upon T1 T2, equation number 2, where K1 and K2 are the rate constant at temperature T1 and T2, respectively. Temperature coefficient, the rate of reaction is increased considerably with increase in temperature. Rate of reaction increase होता है अगर temperature आप increase करते हैं. In general, rate of reaction is almost double or triple हो जाता है by the time. By increase of the rise in the temperature 10 degree centigrade in temperature 10 degree centigrade temperature बढ़ाने पर rate of reaction अपने initial position का double या triple हो जाता है. Temperature coefficient is equal to rate constant at 35 degree centigrade upon rate constant at 25 degree centigrade is equal to K 35 degree centigrade upon K 25 degree centigrade. On page number 11, homogeneous reaction. The homogeneous reaction takes प्लेस इन वन फेस. जो रिएक्शन एक ही फेस में होता है, सॉलिड 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 में या लिक्विड 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 में या गैसेस 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 में, उसे होमोजीनियस रिएक्शन कहते हैं. नंबर टू, हेटरोजीनियस रिएक्शन. हेटरोजीनियस रिएक्शन इन्वॉल्व टू और मोर फेसेस. ये टू एंड दो से टू और मोर फेसेस में हो सकता है, दो या दो से ज्यादा, यानी कि लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस एक्सेट्रा. नंबर थ्री, रेट ऑफ रिएक्शन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ये अब ऊपर आएगा ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन विद टाइम. टाइम नीचे आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ट्रांसफॉर्म्ड अपॉन टाइम टेकन इन द ट्रांसफॉर्मेशन. इफ डी एक्स, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डी एक्स, बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्ड इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम डी टी, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. यानी कि स्मॉल कंसेंट्रेशन चेंज इन इन स्मॉल टाइम. नंबर चार, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट के. इफ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ब्रैकेट ए माइनस एक्स, व्हेन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, देन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के. वेलोसिटी कॉन्स्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट जो है एक टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा इफ द मोलिकुलर कंसेंट्रेशन इज यूनिटी. अगर मोलिकुलर कंसेंट्रेशन वन है, द यूनिटी ऑफ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मे बी गिवन एज ब्रैकेट कंसेंट्रेशन वन माइनस एन ब्रैकेट टाइम ब्रैकेट क्लोज माइनस वन इन जनरल एंड एज मोल लीटर इनवर्स ब्रैकेट क्लोज वन माइनस एन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट क्लोज माइनस वन वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑन पेज नंबर 12 पर मैं इसकी सेकंड डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स इनटू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो नेसेसरी है, जरूरी है टू ट्रांसफॉर्म करने के लिए द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को इनटू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. इट इज डिनोटेड बाय ई ए. फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. नंबर फर्स्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. द मोर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज विद द
विद एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन के इंक्रीज करने पर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, विच वुड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। नंबर टू टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर द नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं एंड सो डज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है एप्रिशिएबली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट हैज बीन ऑब्जर्व, यह पाया गया है दैट द रेट ऑफ मैनी रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली डबल और ट्रिपल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइस इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जो डबल या ट्रिपल हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने पर। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी कॉन्स्टेंट एट द टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज टर्म एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर द गिवन रिएक्शन। द टू टेम्परेचर्स जनरली कंसिडर आर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू K35/K25। नंबर थ्री प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो जाएगा ऑन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के द कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, जो कंसेंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगी, एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, सो इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। 13 फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट इज एस्पेशली इम्पोर्टेंट इन द हेटरोजीनियस रिएक्शन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल द पाउडर्ड मेटल्स, जो पाउडर्ड मेटल्स होती है रिएक्ट मोर इफेक्टिवली, वो ज्यादा इफेक्टिवली एफिशियंशली efficiently एज कम्पेयर टू सॉलिड मेटल्स, सॉलिड मेटल की अपेक्षा। द इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा कवर्ड होगा अगर वो पाउडर है, विच इज टर्न इंक्रीज द कंसेंट्रेशन, वो कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। नंबर फाइव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस, जिसके प्रभाव से द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट में इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रेजेंस, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकता और डिक्रीज भी हो सकता। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री एक्ट लीडिंग टू ए केमिकल चेंज, यानी कि ए इजिकल टू प्रोडक्ट यूनिमोलिकुलर, टू ए इजिकल टू प्रोडक्ट बाई मोलिकुलर, टू ए प्लस टू बी इजिकल टू प्रोडक्ट टाई मोलिकुलर और टर्म मोलिकुलर भी इसका बोल सकते हैं। सेवेंथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग मोलिकुल्स हुज कंसेंट्रेशन आल्टर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज के बाद जितने नंबर ऑफ मोलिकुल्स की कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। एट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए रिएक्शन इज सेड टू बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ इट्स रेट ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट, यूनिट जिसकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट रहता है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, उस पर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन इज सेड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द वन रिएक्टेंट, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो वन रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है ओनली, इसकी यूनिट होती है टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन इज सेड टू बी द सेकेंड ऑर्डर इफ द रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होगी। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन सेड टू बी द थर्ड ऑर्डर इफ द रेट डिपेंड्स ऑन द थ्री कंसेंट्रेशन टर्म, इसमें तीन कंसेंट्रेशन टर्म की कंसेंट्रेशन चेंज होगी, सेकेंड ऑर्डर में दो की होगी, फर्स्ट ऑर्डर में एक की होगी, एक रिएक्टेंट की होगी, इसकी यूनिट होगी थर्ड ऑर्डर की मोल इनवर्स लीटर की पावर टू सेकेंड इनवर्स।